नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। तालिबान जब से अफगानिस्तान में सत्ता पे काबिज हुआ है, तब से दूसरे आतंकी संगठनों का उसके साथ इलू इलू शुरू है। इसमें पाकिस्तान भी है, उसकी बाजुएं फड़फड़ाने लगी है। उसने दिन में सपने देखने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वो सोचता है कि कश्मीर अब तालिबान उसे गिफ्ट में देने वाला है। हालांकि ये गलतफहमी है, और ये गलतफहमी भी भारत लगातार दूर कर रहा है, और मौका लगा तो अच्छे से धुलाई करके भी ये गलतफहमी भारत दूर कर सकता है। लेकिन खबर क्या है? खबर है कि जो जैश ए मोहम्मद का सरगना है मौलाना मसूद अजहर, वो पहुंचा है तालिबान के दरबार में, और वहां उसने जीत की बधाई दी है। किस बात की जीत की? कि भैया आपने एक लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ के फेंक दिया, एक व्यवस्था को उठा के फेंक दिया, और आपने अपने इस्लामिक अमीरात की व्यवस्था कर दी है, और अब खुलकर एक देश को आतंकियों का सेफ प्लेस यानी कि सेफ हेवन बनाने के लिए बधाई दी है। और उसने ये भी बधाई दी है कि उसने अमेरिका को पराजित कर दिया है। गलतफहमी किसी को भी हो सकती है, मसूद अजहर को ही सही। तो उसका ये कहना है कि तालिबान ने अब अमेरिका को हराया है, इस बात की उसने बधाई दी है, और बधाई देने के बाद उसने मांगी है भीख कश्मीर की। हालांकि ये सपना है, लेकिन मांगने वाले कुछ भी मांग सकते हैं, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। तो मौलाना मसूद अजहर ने जीत की बधाई देते हुए तालिबान से गुजारिश मिन्नत की है कि वो कश्मीर को लेकर उनकी मदद करे। यानी कि खुल्लम खुल्ला खेल ये चल रहा है कि एक आतंकी दूसरे आतंकी संगठन से जाकर कह रहा है कि आप हमें भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद दें। यानी कि वो हथियार मांग रहा होगा, वो उनके आतंकी उधार मांग रहा होगा, क्योंकि यहाँ सीमा पर तो बहुत चंद बचे हुए हैं, क्योंकि जो आता है वो कहाँ जाता है, इसकी खबर तो लगातार आप भारत तक पर देखते ही रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर है कि मौलाना मसूद अजहर जो है, उसने तालिबान से कश्मीर को लेकर मदद मांगी है कि भारत के खिलाफ उसकी लड़ाई में वो मदद करे कश्मीर को लेकर, ताकि वो कश्मीर में अपने एजेंडे को लागू कर पाए। आपको बता दें कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, वहाँ से कई आतंकी तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान में लड़ने गए थे। जब वो वापस आए हैं तो उनका भव्य स्वागत भी हुआ है गाजे बाजे के साथ, खूब गोलियां भी छूटी हैं वहाँ पर इस स्वागत में, और उन्हें अत्याधुनिक हथियार भी हासिल हुआ है। और पाकिस्तान का तो खैर ये सपना ही रहा है कि कैसे भी करके उसे कोई कश्मीर दे दे। पीटीआई की एक नेता थी, उन्होंने हाल के दिनों में टेलीविजन पर भी ये ज्ञान बघार दिया कि तालिबान अब वहाँ आ गया है, वो अब भारत से लड़ाई करेगा और कश्मीर उन्हें जीत कर तोहफे में दे देगा। क्या है वो तोहफा? रही थी, मामला था पूरा का पूरा कि भीख में मिल जाए, लेकिन ये सपना है। अब सपना तो पूरा होने से रहा, क्योंकि सामने खड़ी है भारत की सेना, भारत की फौज कितनी ताकतवर है, इसका ट्रायल पाकिस्तान गाहे बगाहे देखता ही रहता है, उसके पाले आतंकी भी देखते ही रहते हैं। कश्मीर में इसी साल 100 से अधिक आतंकियों को अभी तक सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। ये आप समझ सकते हैं कि किस तेजी के साथ ऑपरेशन चलते हैं घाटी में, और लगातार आतंकियों का सफाया हो रहा है। पीओके में हालात एक वक्त ऐसा हो गया था कि वहाँ कोई लॉन्चिंग पैड से आने से डर रहा था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो जैसे ही तारों के नीचे से आने की कोशिश करेंगे वो सीधे ऊपर भेज दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान, तालिबान और उसके जो आतंकी संगठन हैं, उनके बीच लगातार बैठ के बातचीत हो रही है, जिस पर भारत की नज़र है। और CDS ने भी हाल ही में कहा था कि भारत जो है वो आतंकियों की जिस तरीके से निपटता है, अगर कोई इस तरह की हिमाकत करता है, तालिबान की तरफ से भी ऐसी हिमाकत होती है, तो भारत जिस तरीके से आतंकियों से डील करता आया है वैसे ही डील करेगा। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।